यूपी के कौशाम्बी जिले में पुलिस ने अवैध तरीके से अफीम की खेती कर रहे 3 लोगों को कच्चे फूलों के साथ गिरफ्तार कर लिया है, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस ने गश्त के दौरान युवक को चेक किया, जिसमें उसके पास से तकरीबन 4.5 किलोग्राम अफीम के हरे फूल बरामद हुए। इसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 10 करोड़ बताई जा रही है। पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर उसने बताया कि वो सरसों के खेत के बीच में तकरीबन 6 जमीनों पर अफीम की खेती कर रहा है, साथ ही उसके गांव के 2 लोग भी शामिल थे। सूचना एनसीबी को दी गई तो जानकारी मिलने पर एनसीबी की टीम ने मौके पर पहुंचकर फसल को नष्ट किया तथा एनसीबी निरीक्षक की तहरीर पर तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया गया। ये पता चला कि गांव में इसकी खेती लगभग 7 बिस्वा खेत में ये ओपीएम की खेती की जा रही है। इस पर हम लोगों ने एनसीबी लखनऊ को सूचित किया था, वहाँ के अधिकारी आए हुए थे, उनके उन्होंने इसका निरीक्षण किया है और वही वादी मुकदमा बने हुए हैं। उन्होंने बताया कि ये लगभग इसका उत्पादन 80 से 90 किलो ओपीएम का होगा, जिससे लगभग 10 किलो हीरोइन बन सकती है और इसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में करोड़ों से ज़्यादा है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया है, 3 लोग अरेस्ट हैं।